किरण्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा बनाने की विधि शेयर करूंगी, जो कि मैदा नहीं डालेंगे, सिर्फ हम आटे से ही बनाएंगे। तो शुरू करें बनाना। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। मैंने मोयन के लिए थोड़ा सा घी लिया है, नमक है, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला। तो सबसे पहले, और ये इस कटोरी से ढाई कटोरी मैंने आटा लिया है, मैं इसमें घी का मोयन डालूंगी। एक चम्मच मैंने इसमें मोयन डाल दिया है, इससे पराठा हमारा बहुत अच्छा बनेगा। और नमक आधा चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ। हम इसे अच्छे से मैश कर लूँगी, घी और नमक अच्छे से मिल जाए। हम इसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैदा वैसे भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं आटे से ही बना रही हूँ और ये भी बहुत अच्छा बनेगा। घी और नमक अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं पानी की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूथ लूँगी। और ये आटा न बहुत गाढ़ा हमें चाहिए और न ही लूज़ वाला, हम इसको बीच का रखेंगे। थोड़ा सा रोटी पराठा बनाते हैं बस उसी तरह से, ऐसे करके मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथ कर बिल्कुल तैयार है। ये न ज़्यादा टाइट है न लूज़। अब हमने इसमें घी का मोयन वैसे भी लगा के ही रखा है, तो ऊपर से घी का हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने देते हैं, फिर हम पराठा बनाते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा बिल्कुल अच्छा हो गया है। एक बार हम इसे फिर से मसल लेते हैं, इससे ये और सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसे लच्छा पराठा बनाते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। इसे अभी हम लो फ्लेम पर रखेंगे, क्योंकि पराठा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ा सा, इसकी लोई हमें थोड़ी सी बड़ी लेनी होती है, तभी इसकी परत अच्छे से निकलती है। जैसे हम रोटी पराठा लेते हैं, उसकी तुलना में थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं। अब सूखे आटे की सहायता से हम इसे बेलेंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली स्टाइल जैसा बन जाता है घर पे ही। थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेते हैं। यह आप देख सकते हैं कि हमने इसको पूरा बेल लिया है। अब हम इस पर घी का मोयन लगाएंगे। उसके बाद मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। हाथ की सहायता से हल्का सा गुड़गुड़ा देंगे और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब सबसे खास चीज़ ये है कि लच्छे पराठे की फोल्ड करने की विधि, वो हमें इस तरह से करना चाहिए। इससे इसके लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं, दबाते जाएं। ये देखिए पूरा इस तरह से हो जाएगा। फिर अब हम इसे ऐसे ऐसे करके गोल बनाएंगे। हाथ की सहायता से इसे अच्छे से दबा लेंगे।
सूखे आटे की मदद से इसे बेल लेंगे। आप खुद देखेंगे कि इसकी परत बनने के बाद में कितनी अच्छी खिल जाती है। और काली मिर्च और अमचूर पाउडर की सहायता से हमने इसको बनाया है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हमारा बन गया है पराठा। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। तवा भी गर्म हो गया है, थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा लेंगे। इसको सिकाई करने के समय हमें थोड़ी सी फ्लेम का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कभी लो कभी हाई। अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये हुआ नहीं है, हल्की सी नीचे की लेयर उसकी कड़क होगी तभी हम उसे पलटेंगे। हम बिल्कुल हल्का हल्का सा घी इसके कॉर्नर्स पे लगा देते हैं ताकि उसकी नीचे की परत अच्छे से कड़क हो जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा सा वो कड़क होने लगा है, लेकिन अभी पलटने में थोड़ा सा टाइम है। हम किसी भी चम्मच या झाड़ी की सहायता से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वो सिकाई बहुत अच्छे उसकी हो जाती है। ये अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा हो गया है। नीचे की परत एक तरह से पूरी सिक चुकी है। अब हम दूसरी साइड की परत भी ऐसे ही सेक लेंगे और आप ये देख सकते हैं कि इसके कितने सुंदर परतें बन रही है। हल्का सा घी नीचे की लेयर के लिए भी लगा देंगे। इसे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए सिकाई कर लेंगे, है ना। ये भी ज्यादा समय नहीं लेता है। इसे भी हम कभी अपने घर में सब्जी जो भी हमारी इच्छा है बन रही है उसके साथ में इसको आराम से बना सकते हैं। नीचे से देखते हैं, थोड़ी सी सिकाई और है। मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये हमारा पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। ये मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम किसी भी सब्जी, अचार, सॉस, चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप इसकी परत देख सकते हैं, देखिए इसकी कितनी परत निकल रही है। देखिए ये पूरी एक एक परत निकल रही है। तो बनाना टेस्टी टेस्टी लच्छा पराठा। थैंक यू।